Hello everyone, welcome back. Welcome back to my channel, and if you are watching me for the very first time, then hi, I'm Momita and welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ मेरी summer day skin care routine share करने वाली हूँ full demo के साथ. मेरी skin है oily. और अगर आप भी ऑयली स्किन टाइप से हो तो आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो. मैंने एक महीने पहले भी ऐसा एक वीडियो अपलोड किया था, बट अभी मैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो पे शेयर करूँगी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. और अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो, पसंद भी करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए. तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. At first, I will wash my face using Good Vibes Coffee Oil Control Face Wash. If you have oily skin like mine, then you can go for this particular face wash. This is a very good face wash and I really like it. I take 2 or 3 pumps of this face wash and apply it on all over my face and इसको मैं 2 or 3 minutes के लिए massage करती हूँ. Then I wash it off with normal water. मैं इस process को 2 times per day करने की कोशिश करती हूँ. स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप प्लीज़ दिन में 2 बार एटलीस्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज स्किन से जो ऑयल निकलता है अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो एक्ने प्रॉब्लम भी हो सकता है. After washing my face, I use a scrubber. Currently, I am using Biotic Bio Papaya Revitalizing Tan Removal Scrub. इस स्क्रब के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप चेकआउट कर सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल एज इन द आई बटन, यू कैन चेक दैट आउट. तो मैं स्क्रबर को ले लेती हूँ एंड थोड़ा सा पानी के साथ मैं मेरी फेस पर अप्लाई करती हूँ एंड मैं 2 or 3 मिनट्स के लिए मसाज करती हूँ स्क्रबर को मेरी फेस पर अच्छे से. ये जो स्क्रबर है कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी लेकर ही मसाज करना पड़ता है वरना नहीं होता है. तो मैं मसाज करती हूँ 2 to 3 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं फेस पर ऐसे ही छोड़ देती हूँ लाइक 1 or 2 मिनट्स के लिए. उसके बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ. आप कोई भी स्क्रबर यूज़ कर सकते हो जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, या फिर आप की स्किन टाइप के हिसाब से भी आप स्क्रबर चूज़ कर सकते हो. ये टैन रिमूव नहीं किया है मेरे लिए, तो ये एक नॉर्मल स्क्रब के हिसाब से अच्छे से काम करता है, तो यू कैन गो फॉर दिस स्क्रबर एज वेल. फेस के साथ साथ लिप केयर करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो करेंटली आई एम यूजिंग गुड वाइब्स चॉकलेट लिप स्क्रब टू एक्सफोलिएट माई लिप्स. एंड ये जो स्क्रबर है ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ. इसको यूज़ करने के बाद इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे. मन करेगा कि लिप्स को चाटते ही रहें, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा लिप्स. तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई आउट करके देख सकते हो. मैं जो लिंक्स होगा सब प्रोडक्ट्स की लिंक ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज. सो मैं स्क्रबर को मेरी लिप्स पर अप्लाई करूँगी एंड लाइक 1 or 2 मिनट्स के लिए मैं मसाज करूँगी, उसके बाद मैं लिप्स को वॉश कर लूँगी. लिप स्क्रब को मैं वीकली 1 or 2 टाइम्स यूज़ करती हूँ. जो स्टेप्स मैंने अभी आपको दिखाया है सब मैं नहाने के टाइम या फिर पहले यूज़ करती हूँ, एंड उसके बाद जो मैं करती हूँ वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. सबसे पहले आई यूज़ अ फेस मास्क. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क. और हाँ, इस प्रोसेस को मैं वीकली 1 or 2 टाइम करने की कोशिश करती हूँ. तो फेस मास्क को मैं मेरी आई एरिया एंड लिप्स एरिया को छोड़कर पूरी फेस पर अप्लाई कर दूंगी एंड वेट करूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए. मैं मिनिमम 15 to 20 मिनट्स के लिए वेट करती हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए मेरी फेस पर. एंड उसके बाद एक वेट हैंकी की मदद से मैं फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी. आई मीन जो मास्क मैंने लगाया था उसको पहले क्लीन कर लूँगी एंड उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से मेरी फेस को वॉश कर लूँगी. After using the face mask, I use a toner. Here I am using Good Vibes Cucumber Toner. इस टोनर का भी बहुत सारा वेरियंट्स अवेलेबल है मार्केट पे. आप कोई भी वेरियंट्स ट्राई आउट कर सकते हो. मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो.
गुड वाइव्स एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रांड है जो purple.com पे मिलता है। इनकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, आप कोई भी वेरिएंट्स ट्राई आउट करके देख सकते हो। टोनर ड्राई हो जाने के बाद आई यूज़ गुड वाइव्स ऑरेंज जेल। मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है एंड उसके ऊपर अगर मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ तो मेरी फेस और ज़्यादा ऑयली हो जाता है एंड स्वेटिंग होता है। मेरे पास जो भी मॉइस्चराइज़र्स है सब इतना ज़्यादा थिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आप यूज़ करते हो एंड जो ऑयली स्किन टाइप के लिए अच्छा हो और थिन हो, लाइक चिपचिपा ना लगे फेस पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं भी ट्राई आउट ज़रूर करूँगी। तो ऑरेंज जेल मैं लगाती हूँ। मेरे पास एक और भी वेरिएंट है इसकी, मैं उसको भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। ऑरेंज जेल लगाने के बाद मैं उसको मेरे फेस पर वैसे ही छोड़ देती हूँ। आई मीन मैं पानी से क्लीन नहीं करती हूँ। जब जेल अच्छे से मेरे फेस पर अब्जॉर्व हो जाए उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। करेंटली आई एम यूजिंग लोटस सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है ये एकदम ओके है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। तो अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन के ऊपर लैक्मे रोज़ पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आया हो एंड हेल्पफुल लगा हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो, पसंद करते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अच्छी वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।